नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको WhatsApp से रिलेटेड कुछ हिडन ट्रिक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। WhatsApp को ओपन करते हैं। अब आप मैसेज में जैसे बोल्ड में लिखना हो या इटैलिक में लिखना हो या लिखे हुए को कट करना हो, जैसे आपको दिखाते हैं, हम कोई भी मैसेज खोल लिए। अब इसमें कुछ मैसेज करना है आपको। जैसे इसको तो हम हेलो लिखते हैं, हेलो। अब इसे बोल्ड में करना है, तो बोल्ड में कैसे करेंगे? जो जिसको भी बोल्ड में करना है उसके दोनों तरफ स्टार लगा दीजिए, जिसे एस्ट्रिक भी बोलते हैं, स्टार इधर और स्टार इधर। तो आप जो मैसेज करेंगे वो बोल्ड में जाएगा। अब किसी भी मैसेज को अगर इटैलिक में करना हो तो उसके लिए अंडरस्कोर लगा दीजिए दोनों साइड। ये हो गया इटैलिक। तो आप जब मैसेज सेंड करेंगे तो इसमें अंडरस्कोर मैसेज में नहीं जाएगा। अगर आपको लिखे हुए को क्रॉस करना है तो इसके दोनों साइड में ये वाला साइन लगा दीजिए, ये पूरा लिखा हुआ बीच से कटा हुआ रहेगा। अब कुछ और बताते हैं। अगर आपने किसी से मैसेज किया है, उस चैट को ईमेल करना हो, अगर ईमेल करना है तो यहाँ पे जाके मोर ईमेल चैट, ईमेल चैट का ऑप्शन आ रहा है। जिसे भी ईमेल करना है जीमेल पे या ईमेल से आप ईमेल कर सकते हैं। और कुछ मैसेज होते हैं उन्हें जो बचा कर रखना होता है, प्राइवेट होता है, उसे बाद में देखने के लिए, उसके लिए आप मैसेज को स्टार करके कर दीजिए। ये स्टार साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका मैसेज स्टार में रहेगा। स्टार हटा देते हैं। अब आप कोई मैसेज किए हैं, उसे कब डिलीवर हुआ, कब उसने मैसेज पढ़ा, ये देखने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी देर क्लिक किए रहेंगे। उसके बाद आई आई साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि डिलीवर हुआ था 3:35 पे और पढ़ा गया 4:09 पे। और कुछ बताते हैं। और आप WhatsApp अपने लैपटॉप या PC पर भी चला सकते हैं, उसके लिए WhatsApp वेब है। WhatsApp वेब में जाइए और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे web.whatsapp.com ओपन करिए। फिर उसके बाद ओपन करते ही वहाँ पे एक QR कोड आएगा, अपने मोबाइल में जाके ओके गॉट इट करिए। फिर उस लैपटॉप के QR कोड को इससे स्कैन करिए। स्कैन खुल होते ही आपका जो मोबाइल पे WhatsApp चल रहा था वो आप अपने PC पे आराम से चला सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट में मैसेज भेजना है, ग्रुप में ना हो लेकिन उसे लगे कि प्राइवेट में है, आप ग्रुप में एक साथ कई लोगों को भेज सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन है न्यू ब्रॉडकास्ट का, ये इसमें कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, जितने को सेलेक्ट करना हो करिए, फिर उसके बाद एक साथ भेज दीजिए। और अकाउंट में प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी में आप चाहते हैं कि लास्ट सीन न दिखे, जो आपने WhatsApp चलाया है उसका लास्ट सीन किसी को न दिखे, तो लास्ट सीन नोबॉडी कर सकते हैं, जो आपके कांटेक्ट में उनको कर सकते हैं, या एवरीवन जिनको करना है अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। और प्रोफाइल फ़ोटो किसे दिखाना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं या माई कांटेक्ट में जो है या किसी को नहीं। इसी तरह से स्टेटस है,
आप कांटेक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं कोई आपको परेशान कर रहा है तो। और सिक्योरिटी में आप अपना सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। चैट में अपने फॉन्ट साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, अपना चैट बैकअप कर सकते हैं। तो ये था, आगे मैं और भी जानकारी के साथ आपके सामने लेके आऊँगा व्हाट्सएप की ट्रिक के साथ। आशा करते हैं मेरे द्वारा जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका